तो फ्रेंड्स, मैं हूँ मंजू कास्तूर और कास्तूर रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आंवले से तीन तरह की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पांच आंवले ले लिए हैं और उन्हें अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया है। और देखिए, जब पानी सूख गया है तो हम इसके इस तरह से स्लाइस काटेंगे और गुठली वाला भाग अलग कर देंगे। इसी तरह से मैं पूरे आंवले स्लाइस में काट दूंगी और गुठली वाला भाग हटा दूंगी। देखिए इस तरह से। अब फ्रेंड्स, इसको हम एक जार में ट्रांसफर कर और यहाँ पर तीन अदरक के टुकड़े डाले हैं मैंने छोटे, और पाँच छह लहसुन की कलियाँ, तीन हरी मिर्च, और ये डाला है आधा चम्मच जीरा, और ये सेंधा नमक। नमक हम स्वाद अनुसार ही लेंगे फ्रेंड्स। और धनिया पत्ती डाली है थोड़ी सी, और आधा नींबू का रस डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। और डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे ग्राइंड कर देंगे। तो लीजिए, एक बार हमने ग्राइंड किया है, अभी गाढ़ी है, तो इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे और फिर से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, बढ़िया सी हमारी आंवले की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप आंवले का यूज इस तरह कर सकते हैं, आंवले की चटनी बनाएं और खाएं, इसे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया होती है। और आंवला हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए अगला प्रोसेस करते हैं। अगली हम रेसिपी शुरू करते हैं, जूस बनाते हैं। इसके लिए मैंने कुछ सामग्री ली है। एक गाजर ली है, देखिए इस तरह से बीच में से काट दूंगी, और ये बीट रूट का टुकड़ा लिया है, इसे भी इस तरह से पीसेस में काट देंगे। एक आंवला लिया है यहाँ पर मैंने, इसे भी स्लाइस कर देंगे इस तरह से, गुठली वाला भाग हटा देंगे। अदरक के टुकड़े, ये मैंने छोटे छोटे काट दिए हैं इसमें। और नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे, नींबू का रस डालेंगे। यहाँ पर मैंने काला नमक यूज किया है, और बस इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है बीटरूट से। अब डालेंगे थोड़ा सा पानी, पानी डाला है यहाँ पर, और फिर से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए ग्राइंड हो चुका है, और हम चाहे तो ऐसे ही पी सकते हैं इसे जूस को, वरना हम सीव की मदद से इसे छान लेंगे और चम्मच की मदद से हम इसे दबाकर सारे जूस को नीचे निकाल लेंगे। देखिए सारा जूस छनकर तैयार हो चुका है। हमारा जूस हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया है गिलास में। देखिए बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो आप इसे कभी भी बनाकर पी सकते हैं। आँखों के लिए और बालों के लिए भी जो आंवला है बहुत अच्छा होता है। तो इसे आप जूस की फॉर्म में निकालकर आंवले का जूस बनाकर पी सकते हैं, और बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। चलिए, यहाँ पर आठ आंवले मैंने फिर से ले लिए हैं। आंवले की खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। तो मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें मैंने आंवले को ट्रांसफर कर दिया है। आंवले मैंने पहले धो लिए थे, अब इसमें इतना पानी डाला है कि आंवले इसमें डूब जाए। तो लगभग 10 मिनट के लिए हम इन्हें बॉईल करेंगे। मैं तब तक करना है तब तक इसमें क्रैक ना पड़ जाए। तो क्रैक्स पड़ चुके हैं, देखिए फ्रेंड्स। तो गैस की फ्लेम कर देंगे बंद। और इन्हें निकाल लेंगे सीव में। और देखिए इस तरह हम इसे गुठली वाले पार्ट को निकाल देंगे। इसी तरह से सारे आंवले मैं बीच में से इस तरह से हटाते हुए गुठली वाले पार्ट को हटा दूंगी सारे आंवले में से। तो देखिए इस तरह से हम इसे हाथ से थोड़ा सा मैश कर देंगे। थोड़ा गर्म है अब। जितना हमने आंवला लिया है उतना ही हम यहाँ पर गुड़ ले रहे हैं दोस्तों। तो देखिए कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी डाल दिया है।
इसके बाद हम आधा छोटी चम्मच काली मिर्च डालेंगे पिसी हुई, आधा छोटी चम्मच सौंफ, आधा छोटी चम्मच सफ़ेद तिल, आधा छोटी चम्मच काले तिल। इन सबको अच्छी तरह से चटका लेंगे। उसके बाद गुड़ डाल देंगे, गुड़ को भी थोड़ा मेल्ट कर लेंगे और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे आंवला जो हमने बॉईल किया था। और इसमें काला नमक आधा चम्मच और ये मैंने रेड चिली आधा चम्मच और थोड़ा सा मसाला आधा चम्मच के करीब और इसमें मैं सेंधा नमक भी डालूंगी आधा चम्मच। तो स्वाद अनुसार अपने नमक डालें, पहले हमने नमक का यूज़ किया था तो उसके हिसाब से ही इसमें नमक डालें। अब इसे मैश कर लेंगे थोड़ा, आप चाहें तो अच्छी तरह से मैश कर लें आंवले को, चाहें तो इस तरह कुछ पीसेस छोड़ भी सकते हैं। तो इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो बस हमें यहीं पर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए आंवले की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है। इस चटनी को पूड़ी, पराठे, चपाती, नान इन सब के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है। देखिए कितनी बढ़िया बनी है। तो फ्रेंड्स, आंवले का आप इस तरह यूज कर सकते हैं, आंवला हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और आप इसे स्टोर करके एक हफ्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही बढ़िया बढ़िया रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।